रहते हैं, वो बनारस रहते थे सारनाथ में सोनू जायसवाल अपने फैमिली के साथ। अच्छा, कुछ काम करते थे जी? उनका ये कॉइन का दुकान था, वाइन का जी, बियर का लोग बता रहे हैं। हाँ, बियर और देसी दोनों है। अच्छा अच्छा जी, तो ये जो चार लोग थे या पांच लोग? चार लोग थे सर, यहाँ के चार उनका रिश्तेदार। नहीं नहीं, साला वाला नहीं था, वो अदर हो, बिहार का बताया जा रहा है, संजय जायसवाल। अच्छा, वो यहाँ के नहीं? यहाँ के नहीं थे सर, लेकिन इन लोगों के परिचित थे? नहीं, परिचित भी नहीं थे। ओ, मतलब यात्री? ये चार ही लोग थे सर। तो जो बाकी जो चार फ्रेंड थे, उनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? वही उनके परिवार के बारे में, वही एक जैसे एक विशाल वर्मा बता रहे हैं लोग। नहीं, विशाल शर्मा, शर्मा उनका वो है सागे घर सर जी। उनके घर में कोई है कि? हाँ है, अभी सब चौराहे पे है सर, गाड़ी भी है थाने की, प्लस पब्लिक भी है। तो यहाँ पे लोग सोनू जी के घर के लोग कहाँ गए? गए हैं बनारस उनके मतलब वाइफ को लाने यहाँ पे। अच्छा जी, राजन मौर्य। राजन, आज क्या घटना हुई है जिन लोग? हाँ सर, नेपाल में जो नेपाल से काठमांडू जो है, काठमांडू से जो पोखरे के लिए एरोप्लेन क्रैश हुई है, उसमें हमारे मित्र सोनू जायसवाल, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर जो हमारे मित्रगण हैं, मतलब परम मित्र थे, हमें भी लेके जाना चाहते थे, हम लोग गए नहीं, खुदा सा हम लोग को काम था इसलिए हम लोग गए नहीं, वो लोग गए और जो कि लाइव वीडियो बना के हम लोग सब भेज रहे थे, सब वहाँ का डिटेल भेज रहे थे, और ऊपर वाले की जो मर्जी थी, ये हादसे हो गए जो कि पूरे देश गमगीन है इस दुखद माहौल में, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग सब संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अंतिम समय में एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो किसका वीडियो है? वो सोनू जायसवाल और विशाल शर्मा और अभिषेक जो हंस रहे हैं, वो सोनू जायसवाल हैं और इसके बाद अभिषेक का है और इसके बाद विशाल का है। सोनू करते क्या थे? सोनू सर वो सेल्समैन का काम करते थे बियर की दुकान पे। उनकी क्या बनारस में दुकान उकान थी? नहीं सर, ये कादीपुर ही, अलावलपुर के पास कादीपुर है, इसी पे सेल्समैन के काम करते थे। वो बनारस फैमिली रहती थी जी, उनकी फैमिली बनारस थी, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, वो अपने फैमिली अपनी जीवन यापन करते थे। अभी मैं गया तो उनके घर पे ताला बंद था। जी जी जी, कहां गए? वो अपने बनारस में ही रहते हैं, वो पापा अपने अलग रहते हैं, जिसे परिवार वाले सब जौराबाद रहते हैं। तो बता रहे थे लोग कि उनके फैमिली को लाने गए। जी जी, हम लोग के फ्रेंड कुछ लोग हैं जो बनारस के फ्रेंड हैं, उन लोग को बोल दिया गया, वो सब लेके यहीं आ रहे हैं। तो ये जो चार लोग जो जिनका प्लेन क्रैश बताया जा रहा है जी, जी ये लोग कहाँ कहाँ के निवासी हैं? सब हमारे इर्द गिर्द के ही हैं, ग्राम सभा के अगल बगल के हैं, एक हमारे ग्राम सभा धरवा के हैं और एक अलावलपुर के ही है और दो जौराबाद चक जैनब के हैं। ये जो चारों लोग हैं, ये लोग घूमने गए थे, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे चारों मित्र थे, ये नेपाल टूरिज्म करने गए थे, जो कि ये कच्ची अवस्था में ये 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष के लड़के हैं, हमारे फ्रेंड हमारे जैसे हैं, वो भी वो घूमने गए थे, उनका परिवार का पालन पोषण करने की, वही चारों युवक अपने सब घर बार गृहस्थी देखते थे। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे चारों भाइयों को न्याय मिले और इन लोग का सरकार की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ से और हमारे नेपाल सरकार की तरफ से चारों हमारे मित्र थे, सोनू जायसवाल थे, अभिषेक कुशवाहा थे, अनिल राजभर थे और विशाल शर्मा थे। मुकेश कश्यप है। मुकेश जी, जहाँ अलावलपुर में आप खड़े हैं, यहाँ पे के कुछ लोगों का प्लेन क्रैश में काठमांडू में घटना हुई है जी, क्या है मामला? घटना हुई है, उसमें मेरा फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था मेरा जी। कौन? सूरज शर्मा, विशाल शर्मा उसका नाम था। अच्छा, क्या करते थे विशाल जी? विशाल जी थे यहाँ पे टीवीएस एजेंसी में फाइनेंसिंग का काम करते थे। अच्छा अच्छा, क्या उम्र रही है? यही कोई 20 या 22 वर्ष। तो शादी हुई थी या नहीं? नहीं, अभी 22 शादी नहीं हुई थी, अभी हाल ही में। अपने कब गए थे? ये लोग गए थे कम से कम 3-4 दिन पहले और आज आने की बात कर रहे थे कि आज शाम तक घर आ जाएंगे वहाँ पे घूम के। और काठमांडू से ये लोग जब पोखरा के लिए गए तो प्लेन क्रैश हो गया, मतलब लैंडिंग से 10 सेकंड शायद पहले क्रैश हुआ। और जो क्रैश जब हुआ था तो वहाँ पे मेरा एक और फ्रेंड था, तो उसने फेसबुक लाइव किया था, फेसबुक लाइव में उसका प्लेन क्रैश का पूरा वीडियो है।
उसके बाद वो जो फेसबुक लाइव आ रहा है क्या वो सही है? हाँ जी बिल्कुल, वो फेसबुक आईडी से है, वो जो उसमें थे सोनू जायसवाल उन्हीं के फेसबुक आईडी पे, जो पीली टी शर्ट पहने हुए सामने थे वो कौन है? वही वही सोनू जायसवाल है जी, वही सोनू जायसवाल है। आपका क्या नाम है? ये उनके उनके मित्र थे सोनू जायसवाल के, वो चार लोग ना वो यहीं थे, फेसबुक लाइव किया था, आप उनके दोस्त हैं जी। ओके, तो जरा सा सोनू जायसवाल के बारे में बताएं क्या? वो बहुत अच्छे आदमी थे। क्या करते थे? उनका ठीका था, बियर का ठीका था कादीपुर में, और वो बहुत बढ़िया आदमी थे जी सर। ये लोग कब गए थे घूमने? ये 3-4 रोज पहले गए थे। ओह, क्या बोल के कुछ आपसे बात हुई थी? हमसे कोई बात नहीं हुई, बस हम लोगों से बस फेसबुक पे बात होती थी कि अब हम लोग मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर घूम करके और हम लोग चले जाएंगे घर। नहीं जैसे ये तो नेपाल में जब थे तब बात हो रही होगी, यहाँ जाने से पहले नहीं, अंतिम मुलाकात कब हुई थी? अंतिम मुलाकात हम लोग यहाँ पे वाराणसी में थी। अच्छा, अपना घर बना कर रहे थे वो, इनसे बोल कर जी, इनसे बोल कर क्या बोल के गए थे आपसे? वो कुछ बोल के नहीं कहते, मैंने उनको फोन किया कि आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं नेपाल जा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है एंजॉय करना, घूमने जा रहे हो फिर तो बस इतना बात हुआ। उसके बाद मैं आज ये कुछ वहाँ से फोटो वोटो भी भेजे आप? हाँ फोटो भेजा था, मतलब कुछ जो वहाँ पे क्लिक किया था उन्होंने फोटो भेजा मुझे, तो वो फोटो है मेरे पास फिलहाल में। तो वो फोटो कुछ दिखा सकते हैं? हाँ है मेरे पास। ये प्लेन क्रैश हो गया जिसके बाद उनका फोन करना बंद कर दिया जी सर। ये उनकी लाश वीडियो है। ओ, आपको पहचान है जी? एकदम ठीक से जी बिल्कुल। प्लेन क्रैश हो गया जिसके बाद उनका फोन करना बंद कर दिया जी सर। ये उनकी लाश वीडियो है। ओ, आपको पहचान है जी? एकदम ठीक से जी बिल्कुल। यही पे तो घर है, उनका घर है।